वेलकम बैक बच्चों। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 का 3.2 चल रही थी हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 और सेकंड पार्ट दो पार्ट थे जो हमने कर लिए थे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 जो हमें ज्ञात करने हैं। तो तथा हमें बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। तो हम जानते हैं कि दो समीकरण की हम दो रेखाएं निकालते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे काटती तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदक, अगर ये सीधी रेखा में जाती तो हम बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, या फिर संपाती होती है यानी कि दोनों रेखाएं एक ही साथ चलती है, एक के ऊपर एक आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं संपाती। उसके जो तीन तरीके हैं हमने जो उसके तीन तरीके हमने सीखे थे, जो कि आपको इसकी जो चैप्टर का पहला जो लेक्चर है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3 का जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट में ये सारी चीजें बेसिक जो मैंने बताया थी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो पहली बार अगर इसको देख रहे हैं तो पहले उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोई भी इक्वेशन होती है तो वो किस फॉर्म में होती है, ax + by + c = 0, इस तरह इस फॉर्म में हम लिखते हैं उसको, ये a होता है, b होता है और c होता है। तो इस समीकरण की इससे तुलना करते हैं तो क्या आएगा, ये वाली फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है, तो इसके a को a1 बोल देंगे, b1 बोल देंगे और c1 बोल देंगे, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ a1 क्या आ रहा है 5, a2 क्या आ रहा है माइनस का 4 और c1 क्या, सॉरी ये होगा हमारा b1 और c1 क्या आ रहा है 8, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको सेकंड और इसको फर्स्ट मान लो। सेकंड इक्वेशन में a1 a2, ठीक है, फर्स्ट वाला a1 सेकंड वाला a2, तो 7 D2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और C2 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9। तो हम कैसे चेक करते हैं, इनका रेशियो निकालते थे हम, तो पहले निकालेंगे a1/a2, a1 की वैल्यू क्या 5 और a2 की वैल्यू 7। दूसरा हम निकालेंगे b1/b2, क्या निकलेगा b1 माइनस का 4/6 जो क्या हो जाएगा -2/3। अब हम देखते थे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो, ठीक है, तो इसको हम चेक ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर a1/a2 इसके इक्वल नहीं आ रहा है तो ये जो होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था, ठीक है। समीकरणों के अचर पदों का अनुपात, इसको हम बोलते हैं अचर पद, ठीक है, जिसका मान फिक्स होता है। तो अचर पद कौन कौन से होते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो अचर पदों का अनुपात, ठीक है, एक्स के गुणांक अचर पद जो होंगे वो a1 a2 और b, जो वाई के गुणांक होंगे उसको बोलेंगे b1 और b2। इनका अगर अनुपात समान नहीं आ रहा है तो वो रेखा क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जब इसकी हम वैल्यू निकाल के रेखा खींचेंगे ग्राफ के अंदर ऐसे, तो वो इस तरह से कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी, ठीक है, प्रतिच्छेदन करेगी। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है a1/a2, ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख लेते, चलो a1/a2 क्या है 5/7 b1/b2 क्या आ रहा है हमारे पास -2/3 जो कि नॉट इक्वल है, ठीक है। जब इस तरह हम काटते हैं तो इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते थे, तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास दे रखा है, ठीक है,
क्या निकालेंगे? अचर पद निकालेंगे इसके लिए, इसमें ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन और सी टू। तो ए वन और ए टू तो क्या है, 9 और 18 है, कॉमा बी वन बी टू क्या है, 3 और 6 है, बी वन सी टू क्या है हमारे पास, 12 और 24 है। निकालेंगे ए वन और ए टू क्या होगा, 9 अपॉन 18 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे तो क्या है वैल्यू, 3/6 है, ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। सी वन अपॉन सी टू अगर निकाले तो क्या आ रहा है हमारे पास, 12/24 जो कि होगा 1/2 क्योंकि 12 से 12 2 24 ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी, ये आ रहा है हमारे पास ठीक है। तो जब ऐसे आया था हमारे पास तो हमने क्या देखा था कि जब तीनों ही बराबर हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, संपाती रेखाएं बोलते हैं ठीक है। संपाती रेखाएं बोलते हैं उसको, ठीक है, हमने देख लिया क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती रेखा है। क्या आ रहा है, ठीक है, हमें पता चल रहा है a1 a2 1/2 है, b1 b2 भी 1/2 है, सभी किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, यानी कि इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा, यानी कि जो भी इनकी रेखा बनेगी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेगी यानी संपाती रहेगी। तीसरा हम चेंज कर लेते हैं, ए वन ए टू क्या होगा, 6 और 2 ठीक है, ये ए वन होता है, ये ए टू होता है, ये बी वन ये बी टू, ये सी वन और ये सी टू ठीक है। तो बी वन बी टू क्या आ जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 4 ठीक है। सी वन और सी टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ये आ जाएगा। निकालते हैं रेशो, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू 6 अपॉन 2 ठीक है, तो इसका निकालेंगे क्या आएगा, 3/1 और बी वन अपॉन बी टू निकालेंगे तो 3/4 और सी वन अपॉन सी टू निकालेंगे तो 10/9 ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल बी वन अपॉन बी टू ठीक है, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, सी वन अपॉन सी टू इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इसी में पता चल जाता है अगर ये दोनों ही इक्वल रहा है तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ठीक है। तो रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह से हमें पता लगाना था इन तीनों का, तीन क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कितने क्वेश्चन थे, 1, 2 और 3, तीनों को हमने एक साथ ले लिया ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है ठीक है,
ये प्रॉपर्टी जो होती है, अगर दोनों का रेशियो नॉट इक्वल आ जाए किन्हीं भी दो का, ठीक है, ए1 और ए2 का, पहले ही अगर नॉट इक्वल हो जाए तो प्रतिच्छेद करेंगे, सी वाले को हमें जरूरत नहीं करने की। दूसरा क्या है, तीनों अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होगी, समपाती। और इसमें भी जैसे क्या आई थी, प्रतिच्छेद वाली प्रॉपर्टी लगी थी। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या बच गई थी, समांतर वाली बच गई थी। तो समांतर वाले में क्या था, A1 upon A2 equal होना चाहिए, और नॉट इक्वल होना चाहिए C1 upon C2, ठीक है। इस तरह से हमारा समांतर वाला आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। अब इसके जो अगले क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। उस अगले क्वेश्चन में हमें बताता हूँ, अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालने हैं, A1 A2 और B1 B2 के रेशियो निकालने हैं। उसके बाद हमें बताना है कि इनका हल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि प्रतिच्छेदन होता है तो क्या होता है, केवल एक हल होता है, केवल एक हल, ठीक है। संपाति आती है तो क्या होते हैं, अनेक हल, हल होते, ठीक है। और यदि समांतर आती है तो समांतर के केस में क्या होता है, कोई हल नहीं, हल नहीं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए उनमें पहले तो हमें सेम तरीके से क्या करना है, यहां तक करना है, पता लगाना है प्रतिच्छेद करेगी, संपाती रहेगी या फिर समांतर रहेगी। उसके बाद हमें बताना है कि क्या इनके हल कोण कितने होंगे, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होगा, और यदि संपाती आ जाती है तो उसके अनेक हल हो जाएंगे। तो यही चीज हमें, ठीक है, तो उसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है।